नमस्कार, आपने लॉग ऑन किया है दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 6 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच न्यूलैंड्स में खेला जा रहा था और भारत की पारी अब खत्म हो चुकी है। जी हां, 50 ओवर की समाप्ति हो गई है और भारत ने 303 रन का पहाड़ सा स्कोर साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा कर दिया है। आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक के हाईलाइट्स बता देते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा बैटिंग करने आए, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर 0 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। उसके बाद शिखर धवन ने 76 रन बनाए, 63 गेंदों का सामना करा जिसमें 12 चौके शामिल थे। वहीं विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली नॉट आउट रहे और अपना 34वां शतक लगा दिया है, 160 रन बनाकर नाबाद जिसमें 12 चौके शामिल थे और 2 छक्के शामिल थे। इसके अलावा अगर बात करें अजिंक्य रहाणे की तो उन्होंने 11 रन बनाए और 13 गेंदों का सामना करा। वहीं अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया था लेकिन उसके बाद वो अपने रनों को आगे नहीं बुना पाए और 14 रन पर अपनी विकेट गंवा बैठे। वहीं MS धोनी केवल 10 रन बना पाए, इन्होंने 22 गेंदों का सामना करा। केदार जाधव की बात करें तो वो 1 रन पर ही पवेलियन लौट गए, 3 गेंदों का उन्होंने सामना करा। और भुवनेश्वर कुमार ने कोहली का साथ दिया और 16 रन बनाए जिसमें उन्होंने 19 गेंदों का सामना करा, एक चौका भी उसमें शामिल था। बात अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की करते हैं तो कैगिसो रबाडा ने 1 विकेट लिया जबकि क्रिस मॉरिस ने 1 विकेट, एंडिलो पिलियुकोवाओ ने 1 विकेट और इमरान ताहिर ने भी 1 विकेट लिया जबकि जीन पॉल ड्यूमिनी को 2 विकेट मिले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मैच में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी का फैसला लिया था और अब साउथ अफ्रीका के सामने 304 रन का बड़ा स्कोर खड़ा हो गया है। तो ये थी मैच की पूरी हाइलाइट्स। दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी को लॉग ऑन रखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।